हमारे व्यूज को बताएं कि ये औरत क्या चीज है. सो इट्स अ फ्यूफुल ह्यूमन बीइंग. सो अ वुमन इज समबडी हु इज अ फुल ह्यूमन बीइंग. खवातीन को उनके हकूक जो हैं वो नहीं मिलते, उनके हकूक जो हैं उनको पेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लेने पड़ते हैं. उसमें जैसे करंटली जो है सोशल प्लेटफॉर्म को लिया गया. औरत जो है वो एक मुकम्मल शख्स है. सो आई थिंक यू हैव अ स्टेटस वर्किंग वुमन. तो आपकी राय क्या है कि वर्किंग वुमन की जो डिफरेंशिएट करती हैं आप नॉन वर्किंग वुमन के साथ, वो कितना मेजर फर्क आता है बीच में? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अगर आप उनकी किताब अगर आपने पढ़ी हुई है द डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें उन्होंने इस चीज़ का कन्फेशन किया हुआ है कि एज अ फीमेल पॉलिटिशियन उनको कितनी डिफ़िकल्टी हुई थी, एज अ वर्किंग वुमन उनको कितनी मुश्किलात का सामना था अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए. जैसे कि आपने जिक्र किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ भी हैं और इस तरह और भी दो तीन हमारे पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं. उनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं खवातीन. टू द एक्सटेंट कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म को लेकर कुछ ऐसी मूवीज भी आई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमें आपका आंसू चाहिए, आप कितने आंसू निकाल सकती हैं. ये मूवी भी हमारी कंट्री में बनी, जिसका मतलब ये हुआ कि औरत को एसोसिएट किया जाता है एक क्राइंग बीइंग के साथ. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम के सवाल के साथ मैं हारिस शहजाद आपको खुशामदीद कहता हूँ. नाज़रीन, कुछ बढ़ते हुए मसाइल पे आज बात करेंगे. जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया, पिछले कुछ चंद दिनों से सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स पे एक बहुत ज़्यादा संगीन बात की जा रही है ख़वातीन के ऊपर कि ख़वातीन के राइट्स क्या हैं और उनको दबाया जा रहा है. कुछ औरतें हैं वो अपने एलिगेशन लगाती हैं कि हमें हमारे हकूक़ नहीं पूरे दिए जा रहे. कुछ औरतें हैं जिनके ऊपर हरासमेंट के केसेस जो है वो आगे जो है उसको अडॉप्ट कर रही हैं. तो नाज़रीन, इस इशू पे बात करने के लिए मैंने आज एक मेहमान को दावत दी है जो कि खुद भी एक वुमन एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ वो एक वकील के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और प्लस वो एक टीचर भी हैं. आएंगे, उनसे बात करेंगे कि आए उनकी राय क्या है इस बारे में और वो क्या समझते हैं कि वुमेंस को किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और क्या उनके ऊपर एलिगेशंस हैं और क्या स्पॉटलाइट्स उन पे वो थ्रो करती हैं. हमसे बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं मिस मावरा राजा. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो. ऑलवेज अ प्लेजर जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. तो बेसिक सवाल है कि आप हमारे व्यूज को बताएं कि ये औरत क्या चीज है. जी, आपने एक अच्छा सवाल जो है वो मुझसे पूछा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर काफ़ी लोगों को डेफिनेशनल डिफ़िकल्टी हो जाती है ख़वातीन को समझने में. और क्योंकि ख़वातीन से रिलेटेड ख़वातीन के मसाइल भी हैं, तो बुनियादी तौर पर ये समझना ज़रूरी है कि एक खातून क्या होती है. अगर हम ये समझ लेते हैं कि एक खातून क्या चीज़ है या खातून जो है वो ख़ुद में एक किस तरीके से पैकर है, तो हमें बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझने में आसानी रहती है और दुश्वारी नहीं होती. मैं अपनी डेफिनेशन का जो स्कोप है वो आपके साथ जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश में, फिर उसका जो आगे कंपोनेंट्स हैं उनको मैं उर्दू में उनकी वजाहत करती रहूँगी. जो मेरी डेफिनेशन है एक खातून की, एक औरत की, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है. बिकॉज ये मेरी खुद की जिंस से रिलेटेड एक सवाल है, तो इसको एड्रेस करते हुए मैंने अपनी ज़ात को सामने रखा है कि मैं ज़ाती तौर पर जो कि कुदरती तौर पर इस जिंस के साथ पैदा हुई हूँ, तो मैं इसके बारे में क्या सोच रखती हूँ और जो समाज ने मेरी आज तक सोच एक औरत के बारे में डेवलप की है वो राय मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ. मैं आपके साथ कोई लीगल इसके ऊपर जो है वो राय नहीं शेयर कर रही कि लीगली स्पीकिंग जो है वो औरत को क्या पोजिशन दी जाती है. बिकॉज आपको मालूम होगा कि ऑलरेडी जो है वो इंसानों की क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल पर्सन के तौर पर भी की जाती है और फिर लीगल पर्सन के तौर पर भी की जाती है. और मुझे ये लगता है कि खातून जो है वो टोटली एक नेचुरल पर्सन है, एंड इफ यू लाइक कुछ सिचुएशंस में उनको जो है वो लीगल पर्सन का स्टेटस इफ यू लाइक तो वो भी दिया जा सकता है, जिसमें आप उन्हें ज्यूरिस्टिक पर्सन बनाना चाहें तो बना सकते हैं. मुझे ये लगता है कि एक औरत जो है अगर हम इसकी डेफिनेशन को इंग्लिश में दें तो अ वुमन इज एन एंटिटी व्हिच इज फुल इन इटसेल्फ. सो इट्स अ फुल ह्यूमन बीइंग. So a woman is somebody who is a full human being, and in that domain she has responsibilities and she has rights peculiar to her own sexuality.
अब ये डेफिनेशन देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम ये बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स को अकोमोडेट किया और उसको फिर टाई अप किया हमने ख्वातीन की सेक्सुअलिटी के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये डेफिनेशन इस चीज़ की वजाहत देता है कि औरत अपने आप में एक मुकम्मल इंसान है, एक मुकम्मल शख्सियत है, उसको अपनी मुकम्मल इंसानियत का एक्सपीरियंस या अपनी पर्सनहुड का एक्सपीरियंस लेने के लिए ज़रूरत नहीं है बाकी समाजी चीज़ों की। सो पहली वजाहत ये है कि औरत जो है वो ख़ुद में एक मुकम्मल एंटिटी है। जब हमने ये मान लिया वो एक मुकम्मल एंटिटी है, वो ख़ुद में एक फुल ह्यूमन है, तो इसका मतलब है कि वो इंटाइटल्ड है कि उसको वो तमाम राइट्स दिए जाएँ जो कि एक फुल ह्यूमन बींग इंजॉय करता है। जितने भी समाजी मसाइल हैं उसमें ताल्लुक जो है खासुल खास वो इस चीज़ का है कि ख्वातीन को उनके हकूक जो हैं वो नहीं मिलते, उनके हकूक जो हैं उनको पेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लेने पड़ते हैं। उसमें जैसे करंटली जो है सोशल प्लेटफॉर्म को लिया गया, कभी कभी लीगल प्लेटफॉर्म लिया जाता है, जैसे सिंध में इसका एपिसोड हुआ तो उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वहाँ पर टेकअप करने की कोशिश की। ये डेफिनेशन इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है कि माशरे में कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ पर औरत को समझा जाता है एक कमोडिटी के तौर पर। कमोडिटी से मुराद बेसिकली ये है कि उसको चीज़ के तौर पर लिया जाता है। जब हम उसे चीज़ के तौर पर ख्याल करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसको डिमीन करना, उसकी तौहीन करना, उसकी शख्सियत को डिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, हमारे लिए उसकी प्राइस सेट करना, उसकी कीमत को जो है वो सामने लेकर आना बहुत आसान बात हो जाती है। इसी वजह से कुछ सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी के अंदर वन्नी जैसी प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं कि औरत को पेश किया जाता है किसी और फैमिली के किसी एक मेंबर के जुर्म के इवज पेश किया जाता है। ब्राइड प्राइस सेट की जाती है कि जी इस औरत की ये प्राइस है, इसको जी किया जाए। अगर खुद से भी हमारे प्रोफेशन से अगर आप देखें, अगर आप लीगल फ्रटर्निटी को असेस करते हैं तो उसमें आप देखेंगे जब एक आदमी लॉ को मुकम्मल करता है तो उसके बाद उसको एक बड़ा ग्रेसफुल टाइटल मिलता है, ये वकील साहब है। उसके बाद जब एक काउंटर पार्ट जब वही फीमेल होती है और वो अपनी क्वालिफिकेशन को मुकम्मल करती है तो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है ये वकीलनी, इस तरह के टाइटल्स उनके साथ एसोसिएट किए जाते हैं। जब हम इस तरह की डिमीनिंग एंड डिफाइलिंग लैंग्वेज उनके लिए यूज करते हैं तो हम फिर उनके राइट्स की एक्नॉलेजमेंट नहीं करें। इन अ वे ये खुद में इस तरह के अलकाबात जो हैं उनकी पर्सनहुड की निगेशन है। क्योंकि ये उनकी निगेशन की तरफ जाते हैं इस वजह से उन्हें बार बार अपने राइट्स को और अपने पर्सनहुड को, अपनी जात को, अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए फोर फ्रंट पे और लाइन लाइट पे आना पड़ता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो खातून की है वो ये है कि औरत जो है वो एक मुकम्मल शख्स है और उस शख्सियत को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि उसको उसके राइट्स दिए जाएं, उसके हकूक दिए जाएं, उसकी रिस्पांसिबिलिटीज़ जो हैं विद इन द सोसाइटी, विद इन द फैमिली यूनिट, जो जो रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट मिले और वो उन पर डिलीवर भी करे और उसके इवज जो उसके राइट्स बनते हैं उन सबको जो है ग्रेसफुली उनको दिया जाए। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अभी आपने बताया कि वुमन जो है एक कंप्लीट कमोडिटी है, कमोडिटी है, लेकिन क्या वुमन्स की भी कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म्स हैं? क्या एक नॉन वर्किंग वुमन रिलेट कर सकती है वर्किंग वुमन के साथ? उनमें कितना मेजर डिफरेंस फॉल करता है? बिकॉज बीइंग अ वर्किंग वुमन, सो आई थिंक यू हैव अ स्टेटस वर्किंग वुमन, तो आपकी राय क्या है कि वर्किंग वुमन की जो डिफरेंशिएट करती हैं आप नॉन वर्किंग वुमन के साथ, वो कितना मेजर फ़र्क आता है बीच में? देखिए, कोई भी खातून वर्किंग वुमन बनने से पहले वो सिर्फ एक वुमन है। आपने मेरे जो है वो करंट पोजीशन की बात की कि आई एम अ वर्किंग वुमन, यू डिस्क्राइब्ड मी एज एन एक्टिविस्ट, ठीक है। तो वर्किंग वुमन और जो नॉन वर्किंग वुमन है उनकी प्लाइट्स में डिफरेंस हो सकता है। कैसे प्लाइट में डिफरेंस हो सकता है कि जो नॉन वर्किंग वुमन है उसको ये चीज़ देखनी है कि उसने कैसे बैलेंस स्ट्राइक करना है अपने इन लॉज और अपनी न्यू जो उसने फैमिली की रिस्पांसिबिलिटीज एक्वायर की हैं, उसके ये चैलेंजेस हो सकते हैं कि इन दोनों में बैलेंस मैंने कैसे क्रिएट करना है। वेयर एज अगर आप एक वर्किंग वुमन देखें, बैलेंस उसने भी ड्रॉ करना है, बैलेंस उसने भी स्ट्राइक करना है,
पर उसने एक डिफरेंट बैलेंस स्ट्राइक करना है, उसने बैलेंस स्ट्राइक करना है नॉट विद विद इन-लॉज नेसेसरली, बट कि मेरी फैमिली लाइफ और मेरे वर्क लाइफ जो है उनको मैं कैसे कोहेसिव रख सकती हूँ. आई मीन इवन इफ यू टेक द एग्जांपल्स ऑफ वुमेन हु हैव बीन सक्सेसफुल इन आवर सोसाइटी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टू टेक द एग्जांपल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अगर आप उनकी किताब अगर आपने पढ़ी हुई है द डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें उन्होंने इस चीज़ का कन्फेशन किया हुआ है कि एज एज अ फीमेल पॉलिटिशियन उनको कितनी डिफिकल्टी हुई थी, एज अ वर्किंग वुमन उनको कितनी मुश्किलात का सामना था अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए. जो वर्किंग वुमन है उनके ऊपर एलिगेशन ये होती है कि ये अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को जो है शायद उस तरीके से जो है उन पर डिलीवर ना कर सकें जैसे कि एक स्टे एट होम वुमन होगी वो डिलीवर कर सके. सो दोनों जो क्लासेस हैं उनकी अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज हैं, उस क्लास में अपनी डिफ़िकल्टीज है कि उन्होंने कैसे जो है वो बैलेंस स्ट्राइक करना है इन लॉज और अपनी न्यू लाइफ में. इस साइड पर जो है उन्होंने ये स्ट्राइक करना है बैलेंस कि मैंने अपने वर्क और अपनी फैमिली के दरमियान क्या इक्वेशन क्रिएट करनी है. होता ये है कि जब आप वर्किंग वुमन का स्टेटस एक्वायर करते हैं तो आप एक एक हेगमोन की तरह होते हैं, आप काफ़ी सारी पावर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. जब आप पावर अट्रैक्ट करते हैं तो आपके अंदर टेंडेंसी होती है टू एक्सप्लॉइट, थोड़ी सी एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसी होती है या एक रूलिंग टेंडेंसी होती है कि आप पसंद करते हैं कि जो मैं कहूँ वो हर्फे आखिर हो जाए. वही रवैया हम कोशिश करते हैं घर में भी हमारा वही रवैया रहे कि जो मैंने बात कह दी मेरे हस्बैंड जो हैं उसको हर्फे आखिर जाने, मैं अगर खाना बनाना नहीं पसंद करती तो मुझे मजबूर ना किया जाए, कुछ इस तरह के मिजाज को हम वहाँ पर भी लेकर चले जाते हैं. समझने की बात यह है कि वर्किंग वुमन होना जो है खुद में एक पर्सनल चॉइस है और मैरिड होना भी एक पर्सनल चॉइस है. हमारा काम ये है एज वर्किंग वुमन होना कि हम इन दोनों चॉइसेस को जो है वो रीजनेबली जो है इनके ऊपर डिलीवर करें बिकॉज दोनों ही आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं. एक चॉइस को जाकर दूसरे पर इम्पोज कर देना और वहाँ वाले का जो सारा बैगेज है यहाँ पर लेकर आना जो है वो पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर देता है. मैं आप ही एग्जाम्पल को आगे लेता हुआ चलूंगा, जैसे कि आपने जिक्र किया तो साहिबा का, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ भी हैं और इस तरह और भी दो तीन हमारे पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, उनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं खवातीन, जैसे कुछ सीईओज भी हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं. लेकिन उन तबके को देखें जो कि घर पर बाउंड है, घर में बैठा हुआ है और वही समझ रहा है कि वो उसी पर इजाफे लाइन सिर्फ नाजिल हो रहा है और वो अपने आप को कोस रहा है कि मैं औरत हूँ और मेरे पे सारे मसले मसाइल आ रहे हैं. तो आपका कंपैरिजन उन औरतों के साथ कैसा है जो कि वर्किंग वुमन से कम्प्लीटली ऑपोजिट काम कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, लेकिन दे थिंक उनको जो सोसाइटी है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है और उन पर ही सारे अजाब नाजिल होते हैं. देखिए पहली बात यह कि हमें ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि दोनों डिविजन्स के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं. दोनों साइड्स जो हैं अदर साइड ऑफ द फेंस वो कहते हैं कि हमेशा अट्रैक्टिव होती है. दोनों साइड समझ रही हैं उसकी पिक्चर ज़्यादा ग्लॉसी है. जो औरत काम कर रही है उसे समहाउ ये लगता है कि जो घर पे बैठी हुई औरत है एटलीस्ट वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट नहीं होती, एटलीस्ट उसे कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, पैसा कोई अपनी घरधारी में नहीं डालना पड़ता, जो इसलिए उसे लगता है समहाउ कि घर पे बैठी हुई औरत जो है वो एक ज़्यादा एडवांटेजियस पोजिशन में है और उसे सिर्फ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेकअप करना पड़ता है, उसे बाहर जाकर पैसा नहीं कमाना पड़ता, उसे अपनी इज्जत की वहाँ पर हिफाजत नहीं करनी पड़ती, उसे समाज की बातें नहीं सुननी पड़ती, तो इसलिए वो एक सेफ जोन में है, उसकी सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए यहाँ बैठी हुई खातून को जो वर्किंग वुमन है वहाँ की जिंदगी अट्रैक्ट कर रही है, वेयर एज जो वहाँ बैठी हुई है वो इसकी ग्लॉस को देख रही है. इसकी ग्लॉस क्या है या इसका ग्लैमर क्या है कि ये आज़ाद है. आज़ाद किस लिहाज से है कि जब ये काम करने के लिए जाती है तो इसे पूछगीछ नहीं की जाती, जब वो वापस आती है फॉर एग्जाम्पल तो एज सच उसको पूछगीछ नहीं है, उसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम है. उस फ्रीडम को ये घरेलू खवातीन जो हैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं या उसको एस्पायर करती हैं. दोनों साइड्स एक दूसरे को एस्पायर करिए, कोई भी अपनी जो मौजूदा हालात हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी करने के लिए तैयार ही नहीं है. ये वाली खवातीन अपने मौजूदा हालात के साथ कंपैटिबिलिटी कर लें कि हमें ये सिचुएशन मिली है और इस सिचुएशन में हमने सबसे अच्छा डिलीवर करना है एंड वी नीड नॉट कम्पीट विद द अदर साइड.
और वर्किंग वुमन अगर अपने आप को ये तसल्ली दे लें कि हमें कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है स्टे एट होम वुमन के साथ, तो आई थिंक काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो वहीं पर रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दोनों जो डिविजन्स हैं उनके अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बट बॉटम लाइन में अगर आप पाकिस्तान की लीगल सिस्टम को नोट करें तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि वर्किंग वुमन जो हैं उनको भी वही मसाइल दरपेश हैं जो कि स्टे एट होम वुमन को हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैरिज जो है वो डिसॉल्व होने की तरफ चली जाती है तो नान नफका के लिए दोनों को जाना पड़ता है समहाउ कोर्ट के पास, जी मेरा जो मेंटेनेंस है वो दे दिया जाए, जी पेंडिंग मेंटेनेंस नहीं दिया गया, हस्बैंड ने काफ़ी सालों से मेंटेन नहीं किया गया। वर्किंग वुमेन के भी वही होते हैं, जो दूसरी स्टे एट होम वुमेन है उसको भी जो है वो अपना नान नफका जाकर क्लेम करना पड़ता है। एंड देर इज दिस लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ मेल्स, नॉट ऑल द मेल्स बट सम मेल्स आई वुड से कि वो खुद इस पूरी चीज़ को ग्रेसफुली एंड नहीं करते हैं, जो इद्दत पीरियड होता है इवन उसकी भी जो मेंटेनेंस बनती है उनको नहीं दी जाती, फिर उनको एक डिफेंस क्रिएट करना पड़ता है। समटाइम्स इट्स फॉल्स ऑन देयर पार्ट कि जैसे उन्हें ये कहना पड़ता है हमारे डाउरी आर्टिकल्स जो हैं वो आदमी ने रख लिए हैं, कॉन्फिस्केट कर लिए हैं। सो अगर आप बॉटम लाइन में देखेंगे तो जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर जो खवातीन अपने ग्रीवियंसेस लेकर आ रही, चाहे कि वो एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हैं या नॉन वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हैं, उन दोनों का जो अपनी डिस्प्यूट के बारे में कोर्ट के पास जो वो अपनी प्रेयर लेकर आती हैं उसमें वो दोनों सेम हो जाती हैं, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो कि इस चीज़ की कंप्लेंट करती हैं, शिकायत करती हैं कि हमें वर्क प्लेस पे हरास किया गया है और हमारे साथ ज्यादती होती है। अब वो ज्यादतियाँ किस नज़र से होती हैं, किस तरह होती हैं, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि बीइंग इन अ कैरियर फॉर सिंस आई थिंक यू आर इन अ कैरियर फॉर 5-6 इयर्स, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है 5-6 सालों में कि आपको कभी वर्क प्लेस पे ऐसा महसूस हुआ कि आपको हरास किया जाता है या किसी ने ऐसी एलिगेशन की तरफ आपको जाने की जरूरत पड़ी है, कुछ इस तरह के मामला में पेश आपके आए? To be very honest with you, I have been working for the past 4 years, लेकिन मुझे personal level पे कभी भी जो है वो किसी किस्म की भी harassment, as I understand it to be, मुझे किसी harassment का जो है वो शिकार मैं कभी नहीं हुई। workplace harassment लोग काफ़ी दफ़ा इसको on and off अपनी ज़ुबान पर जो है वो एक गिले के तौर पर पेश करते हैं, पर उसका touchwood के मुझे ऐसी कोई चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ी। दैट इज़ नॉट टू से के देर आर नॉट फीमेल्स आउट देयर जो कि इस एपिडेमिक का शिकार नहीं है या उनके ऊपर इस तरह की कोई तकलीफ जो है वो बरपा पेश नहीं होती। अगर ऐसा ना होता तो हम फिर एंटी हैरेसमेंट लॉज वगैरह ना इंट्रोड्यूस कराते। सो दैट प्रॉब्लम इज देयर। और उस पर जो मैंने अभी रिसेंटली UNDP की जो रिपोर्ट 2017 में पब्लिश हुई है उसमें ये देखा है कि जहाँ पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट वगैरह होती है उसकी जो पिवटल कॉज है वो स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड है सोसाइटी के अंदर। यानी सोसाइटी ये कहती है ये औरत है इसको क्या पता होगा, ये औरत है ये तो रोना शुरू कर देगी, टू द एक्सटेंट कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म को लेकर कुछ ऐसी मूवीज भी आई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमें आपका आंसू चाहिए, आप कितने आंसू निकाल सकती हैं, ये मूवी भी हमारी कंट्री में बनी, जिसका मतलब ये हुआ कि औरत को एसोसिएट किया जाता है एक क्राइम बीइंग के साथ, उसके साथ काफ़ी उसकी एसोसिएशन की जाती है और लोग जो है वो रोता हुआ चेहरा जो है उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और इस तरह के मसाइल को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। सो एक स्टीरियोटिपिकल जो है एटीट्यूड एग्जिस्ट करता है अबाउट वुमेन, वुमेन को इमोशनैलिटी के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। हमारे खुद ईस्टर्न कल्चर में भी एंड वेस्टर्न कल्चर में भी ये डाइकॉटमी एग्जिस्ट करती है कि खवातीन जो है वो इमोशनैलिटी के डोमेन में एग्जिस्ट करती हैं और मर्द हजरात जो है वो रैशनैलिटी के डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग जो है वो जनरेट करती है इस तरह की चीज़ों को कंड्यूसिव माहौल देती है कि उनको फ़रोग मिले, वो फ्लरिश हों, लोग एक दूसरे के बारे में गलत राय रखें, और फिर गलत राय रखने के साथ साथ हम लोग ट्रेंड नहीं हैं, हमारी इमोशनल ट्रेनिंग काफ़ी कम है। हम खवातीन हों या आदमी हों, अगर वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो रही है और वाकई ही अगर आदमी वर्क प्लेस हैरेसमेंट करें तो नुकता सीखने का ये भी है कि हमने दोनों
دونوں سائڈس کو دونوں گروپس کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں بنایا, ہمیں انہیں یہ سکھایا نہیں کہ ریگولیٹڈ ایموشن کیا ہوتا ہے. لوگ اپنے ان ریگولیٹڈ ایموشنس کے ساتھ کافی چیزوں کو شروع کرتے ہیں, بعد میں چیزیں ورک آؤٹ نہیں کرتی اور پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر فالس ایلیگیشنس ان تھاٹ فلی جو ہے وہ بمبارڈ کرتے رہتے ہیں, وچ آئی تھنک از ناٹ اے ڈیسنٹ وے آف گوئنگ اباؤٹ تھنگس. اچھا جی, ہمارا ٹاپک جو بیس کرتا ہے عورت پہ بیس کرتا ہے, جی بالکل, کافی دیر سے ہم نے یہ چیزیں فیل کی ہیں سوسائٹی کے اندر کہ ایک عورت اگر ایلیگیشن لے کے آتی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آئے یا اگر وہ کورٹ کے فورم پہ جائے, تو وہ دو ایلیگیشن ضرور لگاتی ہے کہ یا تو شی واز چائلڈ ابیوز, یا تو اس کو ابیوز کیا گیا, چائلڈ ابیوز کیا گیا یا تو پھر اس کو فزیکل ابیوز کیا گیا. ٹھیک ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان ابیوسز کے علاوہ, جیسے وربل ابیوز ہے اور ساتھ جو فزیکل ابیوز ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی اور کیٹیگری فال کرتی ہے ابیوسز کی, کہ صرف یہی دو کیٹیگریز میجر ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ابیوز نہیں کی جاتی عورت کو؟ جی, یہ کافی اچھا سوال آپ نے جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے, بیکاز ہماری ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکونا ہے ایز فار ایز انڈرسٹینڈنگ وائلنس اینڈ ابیوز از کنسرن. لوگ سمجھتے ہیں تشدد صرف اور صرف جسمانی ہوتا ہے. تشدد کا مطلب ہے کہ کوئی جسمانی کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہو, وہ اس کو بہت کارپورل سینس میں لیتے ہیں کہ اگر جسمانی کوئی چیز ہے, اسٹرائپ کیا ہے, کسی نے ہٹ کیا ہے, کسی کو تھپڑ مارا ہے, تو صرف یہی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے. جبکہ اگر آپ ریسنٹ جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی 2016 کے اندر جو یا 2015 میں ان کی جو رپورٹ ہے, تبسم صاحبہ نے اس کو جو ہے اس کی مطلب ساری آتھرشپ کی تھی, ایڈیٹنگ کی تھی, اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, اسلام آباد سے اس کا تھا سارا مطلب بیس اس کی نکلتی ہے رپورٹ کی, اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں تو دیر آر کیٹیگریز آف وائلنس اینڈ ابیوز, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دیر از وربل ابیوز, کہ آپ زبان میں جو ہے وہ مٹھاس نہیں رکھتے دوسرے انسان کے لیے, اور آپ جو ہے وہ ابیوسو ہو جائیں کسی کے ساتھ, گالی گلوچ کریں, اس طرح کے آپ نے معیار اپنے جو ہے اپنے ہی اسپاؤس کے ساتھ سیٹ کیے ہوئے, تو دیٹ وڈ بی وربل ابیوز وٹ یو ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ. پھر اس کے بعد فزیکل ابیوز ہے, جس سے سارے لوگ واقف ہیں, کہ کسی کو مارنا, پیٹنا, لہو لہان کر دینا, ایسڈ برننگ کر دینا, چہرے کے اوپر تیزاب کو گرا دینا, کسی لمب کو جو ہے وہ خراب کر دینا, سیڑھیوں سے پش کر دینا, ٹانگ مار دینا, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جو انہوں نے وہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے, جس نے مجھے بہت انٹرسٹ کیا ہے, دیٹ از اکنامک ابیوز. اکنامکلی بھی ابیوز کیا جاتا ہے. اگر ہم پاکستان کے جو کرنٹ ڈراماز پہ اگر ہم اپنا فوکس لے کر جائیں, تو وہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو ورکنگ ویمن ہیں وہ کس طریقے سے, بے شک کہ وہ فزیکل ابیوز کا شکار نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اکنامکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یا اکنامک ابیوز ہوتا ہے. جب یہ چیز دیکھ لی جائے کہ خاتون جو ہے وہ پیسے کو ارن کرتی ہے, اس کے پاس ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ہے, تو وہ یہ ایک سمجھ سوسائٹی میں لوگوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ اس کا تو کیا کہتے ہیں جو مینٹیننس ہے اس پہ حق نہیں بنتا ہے, کیونکہ یہ خود کماتی ہے. جی, ہماری میرج ڈیزالو ہو چکی ہے, ہماری شادی ختم ہو چکی ہے, تو یہ تو خود میں اسکول ایک اسکول ٹیچر لگی ہوئی ہے, اچھا خاصا یہ کماتی ہے, میں وہاں پہ کینیڈا میں بیٹھا ہوں, میں وہاں سے خرچہ جی کیوں بھیجوں. رپورٹڈ کیسز ہیں اس کے اوپر, اینڈ دے ول انٹریگ یو ونس یو ریڈ دیم, کہ آدمیوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اگر عورت کماتی ہے تو وہ اگر بچے بھی اس کے پاس ہیں, اچھی اماؤنٹ وہ کما رہی ہے, تو وہ اکیلی اس فریضے کو انجام دے. ہم اپنے اسلامک نقطے کو بھی بھول چکے ہیں کہ جو عورت کو مینٹین کرنا یا بچے کی کفالت کرنا جو ہے وہ آدمی کی رسپانسبلٹی ہے, یہ آدمی کا ڈومین ہے کہ وہ بچوں کی کفالت کرے. لیکن کیونکہ وہاں پر آپ کی رائیولری بہت ہائٹنڈ ہوتی ہے, اور آپ اپنی اینگر کو ختم نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ اپنا ڈسکسٹ فور دی ادر پارٹی کو ڈائلیوٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی, وہ تو کماتی ہے, تو اسے کہیں کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ سارا پورا کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے, اکنامک وائلنس کے زمرے کے اندر آتے. اس کے علاوہ عورت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فار ایگزامپل اگر وہ بہت ویلدی فیملی سے ہے, تو ہر دفعہ وہ وہاں سے پیسے لے کر آئے, جب بھی ہسبینڈ کی کوئی بھی چیز خراب ہو جائے, ذرا سی گھر کے اندر جو ہے اگر لیٹ سپوز آرٹیکلس کی کمی پڑ گئی ہے, لیٹ سپوز کہ کوئی گھر کے اندر جو ہے فرنیچر کی کمی ہوگی, تو وہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو کال کریں اور وہ ساری کی ساری پروویژنز وہاں پر کریٹ کریں, ان کے لیے فیسیلیٹیشنز وہاں پر دیں. ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ میٹرنل سائڈ آف دی فیمیل جو ہے وہ اکوموڈیٹنگ ہو. یہ اسی اکوموڈ
فاؤنڈیشن کی نشانی ہے کہ آج کے دور میں بھی بیٹھے ہوئے جہاں ہم اسلام کی بھی بات کرتے ہیں, ہم نے آرٹیکل 2 بھی جو ہے وہ پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کیا ہوا ہے, وی آر این اسلامک اسٹیٹ, پھر بھی ہم جو ہے وہ ڈاؤری لیتے ہیں. جہیز کی رسم سے آج تک ہماری جان نہیں چھوٹ سکی. جہیز کی رسم خود میں ایک اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے. میں نے کافی سارے ایسے کیسز سنے جس میں شادیاں ارینج ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوا ہوتا ہے, لڑکے جو ہیں وہ شادیوں کے ٹائم پر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو انہوں نے ہونڈا گاڑی کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی جہیز میں, اور آپ دیکھیں جی آلٹو دے دی. اب آلٹو دے دی ہے تو ظاہری بات ہے اب یہ تو ڈیل ہمارے لیے بہتر نہیں رہی, تو اس لیے ہم اب اس شادی کو, اس رخصتی کو جو ہے وہ انجام تک نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اکنامک ایکسپلائٹیشن میں آتی ہیں.